हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ब्यूटीफुल फूड। आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता जो कि बिना अनियन गार्लिक के बनेगा। तो इसे आप किसी भी ऐसे ओकेजन पर बना सकते हैं जिनमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता हो। बिना अनियन गार्लिक के भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। पानी को एकदम खौला लेना है। अगर आप ठंडे पानी में ही पास्ता डाल देंगे तो पास्ता सौगी हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पानी को अच्छे से खौला लेंगे। इसमें कम से कम 5 मिनट लग जाएगा, डिपेंड करता है कि आप कितने टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। तो चलिए पहले से गर्म कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ वेजिटेबल्स काट लेते हैं। तो यहाँ मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च, आप कोई और वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर, ब्रोकली या बेबी कॉर्न, जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पानी अब उबल रहा है, इसमें हम इसी वक्त डाल देंगे पास्ता। तो अभी लगभग 3 मिनट के करीब हो चुके हैं और पास्ता उबल रहा है। इसे हम लगभग 80% तक कुक कर लेंगे। तो ये लगभग 80% हो गया है, अब हम इसे बंद कर देंगे और साइड में रख लेंगे। इसी के बीच हम गरम कर लेते हैं कढ़ाई और इसमें हम डालते हैं तेल। ये सिंपल ऑयल है। तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो अब लगभग 3 मिनट का समय हो चुका है और शिमला मिर्च ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और अलग बर्तन में रख लेंगे। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे 2 चम्मच मैदा और लगभग 1 मिनट तक इसको एकदम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर आप सब्जियों को पहले ही भूनकर निकाल लेते हैं और फिर उसी ऑयल में सॉस बना लेते हैं तो बार बार पलटने का झंझट नहीं रहता है ना, क्योंकि आप अगर पहले व्हाइट सॉस बना लेंगे तो फिर आपका बर्तन गंदा हो जाएगा, फिर आपको दूसरा बर्तन लगेगा सब्जियाँ भूनने के लिए। और इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि सब्जियों को जब आप बाद में डालते हैं तो सब्जियां पक चुकी होती हैं, लेकिन उनमें जो ऑयल लगा होता है उसकी वजह से उसमें ग्लेज बना रहता है। तो सब्जियां एकदम मुरझाई हुई सी नहीं लगती, सब्जियों में एक ग्लेज बना रहता है और वो अच्छा लगता है देखने में। तो अब ये लगभग भून चुका है मैदा, इसमें हम डाल देंगे पानी। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सॉस ज़्यादा बनाना है तो इसलिए मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा क्रीम है तो उसी क्रीम से काफ़ी सारा सॉस बन जाएगा। तो आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने क्रीम इसमें बाहर से नहीं ली है, ये मेरे घर की क्रीम है जो मलाई होती है दूध की, तो उसी को मैंने अलग से रख लिया था और लगभग 1 कटोरी के करीब है क्रीम, तो मैं उसी को इस्तेमाल करूँगी। आपको सॉस को लगातार चलाना है और नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं, तो आप इसे लगातार चलाइए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो सॉस को लगभग 2 मिनट तक चलाने के बाद इसमें जितने भी लम्स थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और ये एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा हो गया है। अब ये सही टाइम है क्योंकि अब सॉस भी पूरी पक चुकी है, मैदा कच्चा नहीं है, तो हम इसमें क्रीम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी क्रीम है, मैं ये सारा ही क्रीम इस्तेमाल कर लूँगी। इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ रहा है इसलिए इसमें आप ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करें, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इससे और एक बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर आएगा। तो अब ये सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पास्ता को 80% पकाइएगा। इसका कारण ये है कि आपको पास्ता को पहले ही स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे 80% कुक करके रख देते हैं तो ये गर्म पानी में 5-10 मिनट में 100% पूरा पक जाता है। तो आप इसको चाय वाली जो छन्नी होती है ना, उसे तुरंत छानिए और सॉस में डाल दीजिए। इससे आपका पास्ता ठंडा नहीं होगा तो वो चूई भी नहीं होगा और पास्ता एकदम पकने की वजह से आपको इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसी स्टेज पर डाल दूँगी हरी मटर। आप ताज़ी हरी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। मेरे पास फ्रोज़न मटर ही थी तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, कटी हुई हरी मिर्च और डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसी में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी
पीसी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो, इससे फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है और एक उमामी फ्लेवर आ जाता है ये, बट ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। अब हम एक मिनट तक इस पास्ता को पका लेंगे और ताकि इसमें सभी जो मसाले हमने अभी डाले हैं पक जाएं। अब डाल देंगे बची हुई क्रीम और इसको चलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको फिर भी ये सूखा लगे तो आप इसमें पास्ता वाटर डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब इसमें चीज़ डालने की बारी है, क्योंकि अब सभी चीज़ें पक चुकी हैं और ये उबल रहा है, तो चीज़ डालिए। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अमूल चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसको तोड़ कर डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पसंद की। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 2 क्यूब चीज़, तो मैंने इसे किया है लगभग 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कुक हो चुका है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल सॉसी दिख रहा है और आपको इसमें कुछ और भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बिना प्याज लहसुन के भी ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इसमें आप मैगी मसाला या फिर चिंग्स मसाले का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें भी प्याज लहसुन होता है, लेकिन चूंकि ये बिना प्याज लहसुन का है तो फिर आप नहीं डालें। आप इंग्रीडियंट्स में भी उसमें देख सकते हैं कि उसमें अनियन और गार्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी है, अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये डिश बिल्कुल रेडी है और ये डिश सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती बल्कि खाने में उससे और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, घर पे सभी को बहुत अच्छी लगेगी। और आप किसी ऐसे ओकेजन पे तो बिल्कुल ही बना सकते हैं जिसमें आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक बार बनाइए और अपने गेस्ट और अपने फैमिली को खिलाइए, सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और उन्हें भी पास्ता बनाने का एक नया तरीका पता चल सके। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिले। और एक कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, मुझे इसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक बिल्कुल ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।